हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छे हैं फैमिली के साथ? स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नवनिधि इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, टुडे इज सोशल स्टडी पीरियड, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? स्टैंडर्ड थर्ड चैप्टर 6, द क्लथिस वी वेयर। हम जो कपड़ा पहनते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कौन से स्टेट में कैसे कपड़ा पहनते हैं, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली है। आज हम उससे और कुछ ज़्यादा जानकारी लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, यू लर्न द न्यू वर्ड्स, राइट 3 टाइम्स इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल दिस न्यू वर्ड्स। ट्रेडिशनल, ओन, ओकेजनली, फेस्टिवल्स, मैरिज, आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व, डिफरेंट, माउंटेंस, कलरफुल, यूनिक, ज्वेलरी, पैशन, वेराइटी। ये जो न्यू वर्ड्स है स्टूडेंट्स, इसको आपको 3 टाइम्स लिखना है और लर्न भी करना है। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 32। स्टार्टिंग से, एवरी स्टेट और रीजन हैज इट्स ओन ट्रेडिशनल ड्रेस। स्टूडेंट्स, हर कोई राज्य हो या रीजन मीन्स क्षेत्र, हर कोई राज्य हो उसकी क्षेत्र हो, उसकी अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस यानी कि पारंपरिक कपड़ा जो होता है वो लोग को एक उनमें एक अलग से पहचान दिखाता है। जैसे हम गरबा के समय पे, नवरात्र के समय पे हमारा ड्रेस पहनते हैं गरबा वाला, ओके। पूजा के समय पे अलग अलग ड्रेस होती है, उसमें से आदमी की पहचान बनती है कि कौन सा आदमी कौन से स्टेट से है। Nowadays, these dresses are worn mostly in village. So students, जो पारंपरिक ड्रेस है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है आजकल जो है वो हमारे, अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, if we will go to the village, there we will find some people were worn the traditional dress. अगर आज हम गांव के एरिया में जाएंगे घूमने के लिए, या तो फिर आप घूमने के लिए जाते हैं तो देखेंगे तो कुछ people, कुछ आदमी जो है कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं पारंपरिक। पीपल इन सिटीज वेयर देम ओकेजनली ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड मैरिज। पर यहाँ पे जो आदमी हमारी सिटी में रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग ओकेजनली यानी कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपने त्यौहार या अपने किसी के शादी में जाना रहता है या कोई पार्टी फंक्शन रहता है, उसी समय हम क्या करते हैं, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनते हैं। हम लोग रेगुलर नहीं पहनते हैं, बट मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, कुछ पर जो ग्रामीण आदमी हैं वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। द ट्रेडिशनल क्लॉथ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द पीपल विद देयर स्टेट। वो जो ट्रेडिशनल, वो जो पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं उसमें से हम पहचान सकते हैं कि ये जो भाई बहन है, ये जो ट्रेडिशनल कपड़ा पहने हुए हैं वो कौन से स्टेट से है यानी कि कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। उनके कपड़ा की पहनावट के ऊपर देखकर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑब्जर्व द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ओन बाय द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन। और आप भी क्या करना कि आप भी कोई अलग अलग क्षेत्र में जाते हो, अलग अलग रीजन में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आप ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना कि कौन सा आदमी कौन सा टाइप का ड्रेसेस पहनते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो पारंपरिक ड्रेस है नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि उत्तर पूर्व जो पहाड़ी विस्तार है, आर वेरी कलरफुल एंड यूनिक। जो उत्तर पूर्व में जो पहाड़ी विस्तार है, जो भाई बहन वहाँ पर रहते हैं, उनकी ड्रेस जो होता है यूनिक यानी कि बहुत स्टैंडर्ड और कलरफुल, रंग बिरंगी होती है। ए फ्यू ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया आर शोन बिलो। यहाँ पे आपको बुक का देखिए पिक्चर पेज नंबर 32 में है, कुछ पिक्चर दिया गया है। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, नागालैंड, कश्मीर एंड सिक्किम, कुछ जो पिक्चर दिए गए हैं। देखिए आप केयरफुली ऑब्जर्व करिए, हर कोई का ड्रेस पहनावट जो होता है अलग अलग होती है। ज्वेलरी इज ए पैशन विथ इंडियन वुमेन। स्टूडेंट्स, ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग को भी पता है कि हमारी भारत में जो नारी है यानी कि जो लेडीज़ होते हैं वो लोग
गहना पहनने में बहुत शौकीन हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके घर पे भी आपके मम्मी होंगे, भाई होंगे, इवन इफ आपके अगर ओल्ड पर्सन भी है जिनकी उम्र भी हो गई, दादी वगैरह है, नानी वगैरह है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि वो भी गहने पहनते हैं, बैंगल्स है, कान का इयर रिंग है, गले का नेकलेस है, मंगलसूत्र है। हमारी भारत में जो लेडीज है गहना पहनने की बहुत शौकीन है। ए ह्यूज वैरायटी ऑफ ज्वेलरी आइटम्स आर मेड इन इंडिया। अगर स्टूडेंट्स हम पूरे विश्व की कंपेयर करेंगे, पूरे विश्व के अंदर हमारी भारत में ही जो है ज़्यादातर गहने बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे गहने की इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स कौन पहनता है? हमारे लेडीज़ यानी कि हमारी मम्मी, हमारे सिस्टर, ये सब हम लोग पहनते हैं। सो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा गहना पहनेंगे तो वहाँ पे इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। सो गहने के लिए हमारी वर्ल्ड में, हमारी विश्व में इंडिया जो होता है फर्स्ट नंबर है। दे आर मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। और स्टूडेंट्स जो हमारी गहना, जो हमारे मम्मी, भाभी, दादी, नानी, ये जो भी लेडीज लोग पहनते हैं, वो सब प्रीशियस स्टोन यानी कि बहुत महंगी महंगी पत्थर से बनी हुई, गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, वो सब महंगी महंगी चीज़ से बनी हुई होती है। प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स आर ऑल्सो यूज इन ज्वेलरी। स्टूडेंट्स आजकल जो मतलब गहने बनते हैं, कुछ जो होता है महंगी पत्थर से बनते हैं और कुछ आर्टिफिशियल यानी कि कुछ पत्थर का जो है हम लोग जो बनाते हैं उसी हिसाब से वो पत्थर को लगाया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली लगेगा कि ये बहुत महंगी है। आपने शायद वो बैंगल्स देखा होगा, चूड़ी आप लोग का मम्मी या किसी और का देखे होंगे जिसमें पत्थर लगा हुआ रहता है। ओके स्टूडेंट्स, वेयरिंग बैंगल्स इज यूनिक टू इंडिया। और चूड़ी पहनना जो है भारत में बहुत महत्व रखता है। और मेन क्या करते हैं? मेन इन इंडिया यूज वेरियस हेड गियर्स लाइक कैप्स एंड टर्बन्स। हमारे भारत में जो लेडीज तो गहना पहनते हैं, लेकिन जो जेंट्स है, जो पुरुष आदमी है, मेल है, वो लोग सर पे पगड़ी या टोपी पहनते हैं। द स्टाइल ऑफ टाइंग ए टर्बन वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर ऊपर टर्बन यानी कि पगड़ी बन देखते हुए हमारी राज्य में बहुत सारे लोग पहनते हैं आजकल। ओके, मेनली विलेजर्स हुए टर्बन्स, ज़्यादातर सिटी में कम देखेंगे आप, लेकिन अगर हम अपने ग्रामीण विस्तार में जाएंगे, गांव के एरिया में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ज़्यादातर आदमी जो है बेटा पगड़ी पहनते हैं। बट पर सिक्स ऑल ओवर द कंट्री वेयर टर्बन्स रेगुलरली। पर हमारी जो सिख भाई बहन है वो लोग परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए हर दिन जो होता है स्टूडेंट्स वो लोग को पगड़ी पहनते हैं। नाउ आई नो, अभी मेरे को मालूम हुआ, देर इज ए ग्रेट वेराइटी इन द वे ऑफ पीपल ड्रेस इन इंडिया। अभी मेरे को पता चला कि हमारे भारत देश एक है लेकिन लोग जो रहते हैं अलग अलग तरीका का कपड़ा ड्रेस पहनते हैं। द ट्रेडिशनल क्लॉथ हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द पीपल विद देयर स्टेट। और जो पारंपरिक हमारे कपड़ा है, पारंपरिक कपड़ा में से वो हमको मदद करते हैं कि आदमी कौन सा राज्य से हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन ड्रेस ओन बाय इंडिया वुमेन इज सारी। और ये भी हमको मालूम पड़ा कि कॉमन अगर करेंगे लेडीज़ के अंदर तो मोस्ट ऑफ वुमेन यानी कि ज़्यादातर जो हमारी बहन या मम्मी, सिस्टर, नानी, दादी, वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर साड़ी पहनते हैं, साड़ी के इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी चैप्टर ख़त्म हो गई। आपको इसको 3 times लिखना है और लर्न करना है। और आपको जो है स्टूडेंट्स इसको जो क्वेश्चन आंसर है ये PDF आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।